मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास की पत्नी निखत बानो 187 दिन बाद चित्रकूट जेल से रिहा हो गई। गुरुवार देर रात उसको जेल से बाहर निकाला गया। निखत जेल से बाहर आई तो अपने एक साल के बेटे को सीने से लगा लिया, गोद में लेकर उसे चिपक कर रोती रही, बार बार उसके चेहरे को चूमती और फिर सीने से लगा लेती। चुप हो गया। दरअसल निकट 11 फरवरी को चित्रकूट जेल में अपने पति अब्बास अंसारी से अवैध तरीके से मुलाकात करते हुए पकड़ी गई थी। इसके बाद से वो जेल में ही बंद थी। तो वही अब्बास को कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद निकट और अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में 3 दिन तक साथ रहे थे। तब निकट अपने पति की एक झलक के लिए रेल के कर्मचारियों से बोला करती थी। वो एक बार अपने पति से बात करने की अपील करती थी, लेकिन अब्बास की दूसरी जेल में जाने के बाद वो उदास हो गई थी। तो वहीं वो अपने एक साल के बच्चे को लेकर भी बहुत परेशान रहती थी। निखत बानो के जेल की एक एक कहानी आपको बताएंगे, उससे पहले जरा ये जान लें कि आखिर निखत बानो को जेल क्यों जाना पड़ा। दरअसल निखत अपने पति अब्बास से अक्सर मिलने के लिए चित्रकूट जेल जाती थी। इस बात का इनपुट चित्रकूट डीएम और एसपी को गोपनीय तरीके से मिल गया था। 11 फरवरी को भी यही जानकारी पुलिस तक पहुंची। इसके बाद जेल में रेड की गई। यहां एक कमरे में निखत बानो मिली। जिस कमरे में निखत थी उसके बाहर ताला बंद था। पुलिस के मुताबिक अफसरों के पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही अब्बास को जेल कर्मियों ने निकाल दिया था। निखत के पास से विदेशी करेंसी और मोबाइल बरामद हुआ था। पूछताछ के बाद निखत बानो को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निखत को जमानत मिली थी। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि निखत बानो का एक साल बचा है, उसको मानवीय आधार पर जमानत दी जा रही है। अब आते हैं जेल में बिताई हुई एक एक दिन पर कि आखिर निखत को जेल में क्या क्या करना पड़ा, कैसे कैसे करके निखत ने एक एक दिन बिताए, कैसे वो पूरे दिन सिर्फ एक ही रोटी खाकर रह जाती थी। सूत्रों के मुताबिक निखत जब जेल में आई थी तब वो बहुत परेशान थी। वो किसी से सही से बात भी नहीं करती थी। जेल आने के कम 4 दिन तक वो सही से सो नहीं पाई। वो रात में कभी गद्दा मांगती तो कभी कंबल। खाने के नाम पर वो बिस्किट और चाय लेती थी, कभी भी चाय पूरी नहीं पीती थी। हमेशा बिस्किट खत्म होने के बाद चाय छोड़ देती थी। इतना ही नहीं, बस एक रोटी किसी तरह से खाकर पूरा दिन काट लेती थी। जिस दिन अब्बास को चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया उस दिन निखत उससे मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वहीं रिमांड के समय जब वो जेल से बाहर जाती थी तो पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी, बस रोया करती थी। कहती थी कि मैं बस अपने पति से मिलने के लिए आई थी, जो गुनाह नहीं है, मुझे गलत पकड़ा गया है, मैं निर्दोष हूँ। इसके अलावा वो कुछ ज्यादा नहीं बोलती थी। जेल में सभी कैदी मोटे चादर पर सो जाते थे, लेकिन निखत मोटे गद्दे की डिमांड करती थी, जो उसको नहीं दिया गया था। बहुत बोलने पर उसे 2 चादर बिछाने के लिए एक और कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया था। वहीं सुबह वो नाश्ते के लिए नहीं जाती थी, बस चाय बिस्किट ही खा लिया करती थी। उससे जेल की दूसरी महिलाएं बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो खामोशी रहती थी। दरअसल वो जिस फैमिली से आती थी उसके लेवल का कोई भी जेल में नहीं था, उस वजह से वो किसी से बात नहीं करती थी। शुरुआती दिनों में तो वो अपने अम्मी अब्बू को और बेटे को याद करके भावुक हो जाती थी। कुछ पता चला तो गुस्से में ही जवाब देती थी। काफी समय तक ऐसा चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके बर्ताव में थोड़ा बदलाव आया। निखत ने थोड़ा बहुत जेल कर्मियों से बात करना शुरू किया। सुबह उठने के बाद वो न्यूज़पेपर मांगती और चाय के साथ कम से कम 1.5 घंटा पेपर पढ़ती थी। सूत्रों के माने तो वो अखबार के साथ साथ किताबें भी पढ़ा करती थी। उसके बाद कुछ देर आराम करती। वो जेल में कोई काम नहीं करती थी और ना ही उसको कोई काम दिया गया था, क्योंकि जेल में विचाराधीन कैदियों को कोई काम नहीं दिया जाता है। लेकिन वो काम कर रही महिलाओं के पास जाकर जरूर बैठती थी। कभी कभी वो महिलाओं से सिलाई कढ़ाई का काम भी सीखती थी। उसने अपने बेटे के बारे में बात करती थी। निखत महिलाओं को बता देती कि उसके बेटे के बिना मन नहीं लगता है। वो अपने बेटे को बहुत याद करती है, उसकी एक झलक के लिए परेशान रहती है, एक बार बेटे को गले लगाना चाहती है। बता दें कि निखत सभी कैदियों की तरह लाइन में लगकर जेल में लगे पीसीओ से अपने भाई और भाभी से बात करती थी। वो अपनी भाभी के बेटे की आवाज़ सुनने के लिए बोलती थी। बेटे की आवाज़ सुनकर फोन पर हमेशा रोया करती थी। घर में सबकी खैरियत पूछती, अम्मी अब्बू के बारे में पूछती। बात करने का समय जब खत्म होने वाला होता तो 5 मिनट और मांगती थी। जब ईद पड़ी तो वो अपने परिवार को याद कर खूब रोई।
लेकिन जिस दिन निखत ने अखबार में खबर पड़ी कि उसकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, उस दिन वो पहली बार जेल में हंसी थी। वो बहुत खुश थी, सभी लोगों को हंस हंस कर यह खबर सुनाने लगी। बोली, अब मैं अपने बेटे से मिल पाऊंगी, मैं अपने परिवार के पास जाऊंगी, उनके साथ फिर से रह पाऊंगी। बता दें कि मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास की पत्नी निखत बानो 127 दिन बाद चित्रकूट जेल से रिहा हो गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।